उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक नवी के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। यहाँ पर नवी के ऐड आप रेगुलरली देखते ही होंगे यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पर कहा जाता है कि नवी ऐप पर लोन लेना काफ़ी ज़्यादा आसान है। आप यहाँ से लोन लेकर अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। तो अभी तक आपने ये सुना है नवी लोन्स के बारे में। अब इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि नवी आपसे लोन लेना चाहती है ताकि ये और ज़्यादा लोन डिसबर्समेंट कर पाए। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें ताकि आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल समझ में आ सके। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नवी फिनसर्व के NCDs के बारे में। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, यहाँ पर नवी कंपनी NCDs इशू करके पब्लिक से लोन के रूप में पैसा लेगी और इस लोन के पैसे पर नवी कंपनी पब्लिक को इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट होगा जनरली बैंक के FD रेट से और या फिर किसी भी अदर फिक्स डिपॉजिट से काफ़ी ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर एग्जांपल में मैं आपको बता देता हूँ शुरुआत में ही, यहाँ पर जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा नवी कंपनी की तरफ से वो प्रोवाइड कराया जाएगा 9% से लेकर 10% के अराउंड में। यहाँ पर ये जो 9 से 10% का इंटरेस्ट रेट है ये आपके इन्वेस्टमेंट को काफ़ी अच्छे खासे रेट से ग्रो कर सकता है। अगर आपको कोई अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अपने तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहा है तो NCDs आपको काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप भी यहाँ पर 9 से 10% का इंटरेस्ट इनकम कमाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें ताकि आप सही डिसीजन ले पाए अपने इन्वेस्टमेंट पे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम नवी फिनसर्व के बारे में जानने वाले हैं, साथ में NCD रिलेटेड इशू डिटेल्स के बारे में जानने वाले हैं और कैसे हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं ये सारे डिटेल्स हम जानने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं नवी फिनसर्व के बारे में। तो नवी फिनसर्व आपको जैसे कि पता ही होगा कि नवी फिनसर्व सचिन बंसल जी की कंपनी है। यहाँ पर सचिन बंसल फ्लिपकार्ट के को फाउंडर रह चुके हैं। यहाँ पर इन्होंने फ्लिपकार्ट से जब एग्जिट कर लिया था तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा कॉर्पस इकट्ठा हो गया था। इस कॉर्पस को यूज करके आज के दिन में ये हमारे पास एक ब्रांड लेकर आ चुके हैं जो कि नवी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अभी तक नवी कंपनी जो है ये काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस में एक्टिव हो चुकी है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है। जैसा कि एग्जांपल के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर करेंटली नवी कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में एक्टिव है, साथ में लोन सेक्टर में एक्टिव है, साथ में ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी एक्टिव है। तो यहाँ पर हम इंश्योरेंस और MF की बात ना करके लोन इंडस्ट्री वाले सेगमेंट की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है नवी नाम से एक ऐप लॉन्च हो चुका है जिसका आपने एडवर्टीजमेंट कई बार देखा होगा कि नवी पर पर्सनल लोन लेना काफ़ी ज़्यादा आसान है। यहाँ पर किफ़ायती इंटरेस्ट रेट पे आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर ये जो पर्सनल लोन्स होते हैं इन पर करीब 9 से लेकर 36% तक का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है जो कि कंपनी की इनकम है। यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट रेट है ये तभी चार्ज किया जाता है जब कंपनी लोन डिसबर्समेंट करती है, और लोन डिसबर्समेंट करने के लिए लगते हैं पैसे। तो ये पैसे जो है ये कंपनी हर समय अपने कैपिटल को यूज करके नहीं दे सकती है, इसलिए कंपनीज को लोन लेने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो करेंट के समय में अभी तक नवी फिनसर्व ने पब्लिक से कोई भी पैसा नहीं लिया था। यहाँ पर अभी तक ये जो अपना बिजनेस चला रहे थे ये अपने सचिन बंसल के पैसों से चला रहे थे, साथ में कुछ बैंक लोन्स की मदद से चला रहे थे और कुछ प्राइवेट NCDs को यूज करके ये अपने बिजनेस को चला रहे थे। अब इनका बिजनेस क्योंकि ग्रो हो रहा है तो इस ग्रोथ की वजह से इन्हें अब फर्दर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ रही है और यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं ये NCDs को इशू करके कर रहे हैं। तो यहाँ पर NCDs जैसा कि आपको मैंने बताया नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है। यहाँ पर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इशू करके कंपनी लोन के रूप में पब्लिक से पैसा ले रही है और उस लोन के पैसे पे इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रही है। तो अब आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि नवी कंपनी क्या है और साथ में ये अपना बिजनेस कैसे चला रही है और कैसे ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए NCDs को इशू कर रही है। अब हम जैसे यहाँ पर बात करते हैं NCD इशू रिलेटेड डिटेल से। तो यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर नवी फिनसर्व इशू कर रही है सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो नॉर्मली NCDs दो टाइप के होते हैं, सिक्योर और अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड का मतलब ये हो जाता है कुछ कोलैटरल के रूप में कंपनी डिबेंचर ट्रस्टी के पास रख रही है, मतलब यहाँ पर ये जो NCDs प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको इनके बदले में कुछ सिक्योरिटी रखा जा रहा है एक डिबेंचर ट्रस्टी के पास। अनसिक्योर्ड NCDs में ऐसे कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहते, ये आप बात ध्यान में रखना। तो कंपेयर टू अनसिक्योर्ड NCDs सिक्योर्ड NCDs काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं। बात करें सीरीज की तो यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक के सीरीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मतलब हर एक सीरीज का एक अपना इंटरेस्ट रेट और अपना एक रिडेम्पशन डेट होगा। इशू पीरियड की बात करें तो यहाँ पर जो इशू पीरियड है वो है 23 मई से लेकर 10 जून तक का। यहाँ पर इस इशू पीरियड में आपको यहाँ पर अप्लाई करना है।
मार्केट टाइमिंग की बात करें तो जैसे आईपीओ के लिए नॉर्मल मार्केट टाइमिंग होता है उसी तरीके से यहाँ भी मार्केट टाइमिंग है 10 से 5 बजे तक का। साथ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 10 एनसीडीज में करने ही पड़ेंगे, मतलब यहाँ पर 10,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पर एक एनसीडीज का वैल्यू 1,000 रुपये है, इसलिए यहाँ पर 10 एनसीडीज का वैल्यू हो जाता है 10,000 रुपये। यहाँ पर अब जैसे बात करें इशू साइज़ की, जैसे कि आईपीओ का इशू साइज़ होता है उसी तरीके से एनसीडीज का भी इशू साइज़ होता है। तो यहाँ पर ये जो इशू साइज़ है, ये इशू साइज़ है 300 करोड़ रुपए का बेस इशू साइज़, और ओवर सब्सक्रिप्शन का इशू साइज़ है 300 करोड़ का। तो इस हिसाब से कंपनी अभी के समय में 600 करोड़ रुपए रेज करने का प्लानिंग बना के चल रही है। बात करें कंपनी की क्रेडिट रेटिंग का, जैसे कि क्रेडिट रेटिंग वो रेटिंग है जिसको देखकर बैंक्स इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। जैसे कि आपको जब लोन दिया जाता है तो आपकी क्रेडिट रेटिंग देखी जाती है, उसी तरीके से कंपनीज़ के भी क्रेडिट रेटिंग होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इनको क्रेडिट रेटिंग सिंगल ए का मिला हुआ है। ये जो सिंगल ए रेटिंग है ये ट्रिपल ए रेटिंग के बाद और डबल ए पॉजिटिव रेटिंग और डबल ए रेटिंग और डबल ए नेगेटिव रेटिंग के बाद मिलता है। तो रेटिंग के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी थोड़ी सी ठीक ठाक ही है, लेकिन अगर इस रेटिंग को हम कंपेयर करें बड़े इंस्टीट्यूशनल से तो उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है। जैसे कि मार्केट में ऑलरेडी कई सारे कंपनीज है, अगर जैसे एग्जांपल में बताऊँ टाटा कंपनी के बारे में, तो टाटा कंपनी के कुछ कुछ कंपनीज है जहाँ पर ट्रिपल ए रेटिंग है, जैसे कि एग्जांपल में टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज और टाटा कैपिटल हाउसिंग। और इसके अलावा जैसे मुथूट फिनकॉर्प की बात करें और मुथूट फाइनेंस की बात करें तो डबल ए की रेटिंग करीब है। इसके अलावा और भी कुछ कंपनीज है, जैसे कि एग्जाम्पल में धनी की बात करें तो धनी को ए पॉजिटिव की रेटिंग मिली हुई है। तो अब हम बात करते हैं एनसीडी सीरीज के बारे में। तो यहाँ पर जैसे देखिए मैंने आपको बताया टोटल 4 तरीके के एनसीडीज इशू किए जा रहे हैं। तो पहला जो एनसीडी है वो मंथली इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, दूसरा एनसीडी एनुअल इंटरेस्ट मतलब साल में एक बार, तीसरा भी मंथली इंटरेस्ट, और चौथा जो है वो एनुअल इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर देखिए टीनर का हिसाब दिया गया, टीनर का मतलब होता है 18 महीने के बाद आपको एनसीडीज के पैसे वापस कर दिए जाएंगे कंपनीज की तरफ से, और 27 महीने के बाद आपको पैसे वापस किए जाएंगे कंपनी की तरफ से। यहाँ पर अब जैसे कूपन रेट की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो कूपन रेट है वो पहले एनसीडी में 9.2% है, दूसरे एनसीडी में 9.5%, तीसरे में 9.4% और चौथे में 9.75% का इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मंथली या फिर एनुअल इंटरेस्ट रेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मंथली पैसों की ज़रूरत है तो आप मंथली सिलेक्ट कर सकते हैं, और साल में एक बार पैसों की ज़रूरत है तो आप साल में एक बार वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जान के रखना चाहिए कि जो मंथली इंटरेस्ट वाले एनसीडीज होते हैं वो कंपेयर टू एनुअल इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं। साथ में यहाँ पर जो लॉन्ग टेनर वाले एनसीडीज होते हैं वो रिस्की होते हैं कंपेयर टू छोटे टेनर वाले एनसीडीज के मुकाबले में, इसलिए जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है वो कंपेयर टू ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है लो टेनर वाले से। तो ये हो जाता है कंप्लीट एनसीडी इशू रिलेटेड डिटेल्स। अब जैसे यहाँ पर बात करते हैं कि आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो आप हमेशा एक बात ध्यान में रखना, एनसीडीज जो होते हैं उन पर किसी भी तरीके से सरकार की कोई भी गारंटी नहीं रहती है। जैसे अगर आप बैंक में अपना पैसा रख रहे हैं तो उस पैसे पे सरकार गारंटी देती है 5 लाख रुपए तक के लिए, लेकिन एनसीडीज में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा कोई भी गारंटी सरकार की तरफ से नहीं मिलता, इसलिए एनसीडीज हमेशा रिस्की होते हैं। जैसे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा रिस्की होता है, उसी तरीके से एनसीडीज में भी इन्वेस्ट किया हुआ पैसा रिस्की होता है, लेकिन कंपेयर टू शेयर्स एनसीडीज थोड़े से सेफ होते हैं, जिसकी वजह से ये एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी सूझबूझ को इस्तेमाल करके यहाँ पर अपने हिसाब से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बता देता हूँ, मान लेते हैं आपके पास 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो आप इस 10 लाख रुपए को अदर कई सारे एनसीडीज में इन्वेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे नवी कंपनी एक कंपनी है एनसीडीज प्रोवाइडिंग, इसके अलावा और भी कई सारे बाजार में कंपनी है जो एनसीडीज प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर आप अपने फंड को डाइवर्सिफाई करके चल सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 10 लाख रुपए आपके पास, तो आप यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर 2 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। अब जैसे बात करते हैं आप यहाँ पर इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना काफ़ी ज़्यादा मस्ट हो जाता है, क्योंकि बिना डीमेट अकाउंट के आप यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर ऊपर में ही दिखा देता हूँ, मोड ऑफ अलॉटमेंट डीमेट ओनली है। तो डीमेट अकाउंट अगर आपका अभी तक नहीं है तो आप अपना डीमेट अकाउंट जरूर ओपन कर लें, डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो यहाँ पर एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट अपने नेट बैंकिंग को यूज करके कर सकते हैं, साथ में आप अपने स्टॉक ब्रोकर को कॉन्टैक्ट करके भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ अदर ऐप्स भी है जिनको यूज करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट यहाँ पर कैसे करना है ये डिटेल्स आप जानने के लिए इस वीडियो को चेकआउट भी कर सकते हैं।